गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 हिंदी रीडर पाठ नंबर 2 चांद की सैर। हम ये पाठ पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी जो कुछ रीडिंग बच गई थी जो हम आज पूरी करेंगे। साक्षी जो है वो किससे बात कर रही थी? चंद्रमा से। अब देखिए आगे और क्या बात होती है। चंद्रमा बड़े गौर से साक्षी की बातें सुन रहा था। तो क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे? साक्षी ने पूछा। चंद्रमा बोला, देखिए चंद्रमा अपने बारे में बता रहा है, मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूँ। मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। जानती हो सबसे पहले धरती मेरी धरती पर किसने कदम रखा था? साक्षी ने कहा, नहीं। तो चंद्रमा ने बताया, सबसे पहले मेरी धरती पर 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन आल्ड्रिन और कॉलिंस ने कदम रखा था। ये वो लोग थे जो चंद्रमा पर सबसे पहले गए थे। और वो दिनांक क्या थी, डेट क्या थी? 21 जुलाई 1969। यहाँ से उन्होंने पृथ्वी को देखा तो खुशी से उछल पड़े। साक्षी बोली, चंदा मामा, यहाँ आकर हर चीज़ हल्की क्यों हो जाती है? चंद्रमा ने कहा, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो अपनी ओर खींचती है, वो चंद्रमा पर बहुत कम है, इसलिए वहाँ हर चीज़ हल्की दिखाई देती है। जिसके कारण यदि हमें किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। कहाँ पर? चंद्रमा पर। साक्षी को चंद्रमा की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु अब उसे घर की याद आने लगी। वह यान के पास आई और उसमें बैठ गई। जोर से गड़गड़ाहट हुई और साक्षी को झटका लगा। घबराहट में उसकी आंख खुल गई। वह बिस्तर से उठी। अरे, मैं तो सपना देख रही थी। अब तक माँ भी उसके पास आ गई थी। साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया। माँ ने साक्षी को प्यार किया और कहा, बेटी, निसंदेह सपना था, पर मुझे विश्वास है कि तुम इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ाई करती रही तो तुम्हारा चांद पर जाने का सपना अवश्य ही साकार होगा। सपना कोई भी हो, अगर हम मेहनत करके उसको साकार करने की कोशिश करेंगे तो वो जरूर साकार होता है। सपना साक्षी ने देखा था कि मैं चंद्रमा पर जाऊँगी, और वो सपना देख कर सच में ही वो चंद्रमा पर पहुँच जाती है। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले, किसने किससे कहा, ये आज का आपका कक्षा कार्य है। आज पूर्णवासी है इसलिए तुम्हें चांद गोल रुपैला दिखाई दे रहा है, ये किसने कहा था? माँ ने साक्षी से। मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूँ, ये किसने किससे कहा? चंद्रमा ने साक्षी से। देखो ना कितना सुंदर है चांद, बिल्कुल गोल और चमकीला, ये किसने कहा? साक्षी ने माँ से। अब इसके प्रश्न उत्तर है, ये भी आपको आज करने हैं, ये भी कक्षा कार्य है। चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है? तो इसका उत्तर है सूर्य के। बच्चा चंद्रमा को देखकर क्या बुलाते हैं? चंदा मामा। इसका उत्तर क्या होगा? चंदा मामा। बच्चे चंद्रमा को चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। साक्षी को क्या सुनना अच्छा लगता था? चांद तारों की कहानियाँ। किस दिन चांद गोल और रुपैला दिखाई देता है? पूर्णमासी के दिन। जिस दिन चांद पूरा होता है, पूर्णमासी के दिन चांद रुपैला और सुंदर गोल दिखाई देता है।